ओके क्लास, आज का जो लेक्चर शूट होने जा रहा है बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल पे मिड टर्म की जो सिलेबस है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का कवर हो गया है, और क्योंकि एग्ज़ाम आगे सरकता जा रहा है तो वी आर नाउ कंटिन्यूइंग विद द एंड टर्म सिलेबस ऑल्सो। हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 में एक चैप्टर है आपका जो बेहद इम्पॉर्टेंट है और उसका नाम है ट्रेड साइकिल। देखो ट्रेड साइकिल का चैप्टर क्या होता है, ट्रेड साइकिल का चैप्टर वो होता है जो कोई एक बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस एक सीरीज ऑफ फेजेस से गुजरता है। जैसे एक इंसान पहले वो इन्फेंट रहता है, वो टॉडलर बनता है, उसके बाद बढ़ती एजेस में वो एक चाइल्ड या किड कहलाता है, फिर वो टीनेजर होता है, फिर उसके बाद वो यंग या यूथ में आता है, उसके बाद वो मिडिल एज में जाता है, धीरे धीरे वो ओल्ड एज में जाता है। तो ये क्या एक जीवन के फेजेस हैं, ठीक उसी तरह बिजनेस के भी फेजेस होते हैं। हमारे लिए ट्रेड साइकिल का मतलब क्या है, एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट व्हाट एवर द बिजनेस इज एक्सपीरियंसिंग दैट इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। मतलब बाहरी एनवायरनमेंट से इफेक्ट होके प्रभावित होके बिजनेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम चार हिस्सों में बांटते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। देखो सबसे पहला जो फेज होता है किसी बिजनेस साइकिल का, उस फेज को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी फेज भी आप कहीं कहीं पढ़ते हो, आप कहीं कहीं इसको प्रॉफिट फेज भी पढ़ते हो। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, किन्हीं किताबों में जो मैक्सिमम आप पढ़ते हो डिस्कवरी फेज पढ़ते। डिस्कवरी फेज का मतलब ये होता है, इसे इंट्रोडक्टरी फेज भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, किसी चीज़ को किसी चीज़ से परिचित करना। तो यहाँ पे हम बिजनेस को कंज्यूमर से और कंज्यूमर को बिजनेस से क्या करते हैं, परिचित करते हैं। यहाँ पे जब बिजनेस नया नया बन के आता है, एक नया प्रोडक्ट आए, एक नई कंपनी आई, तो उसे डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट इट इज़ ऑफरिंग 2 से 5 साल का समय लगता है कंज्यूमर के माइंड पे एक छाप छोड़ने के लिए, अपनी इंट्रोडक्टरी को अपनी प्रॉस्पेरिटी फेज तक पहुंचने के लिए। शुरू कर दिए हैं, अब हमें सबसे ऊंचाई पे जाना है। तो ये जो शुरू कर दिए हैं, ऐड शुरू करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, ये क्या कहलाएगा, इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज के बाद जो हम दूसरा फेज देते हैं ये हो जाता है आपका प्रॉस्पेरिटी फेज। अच्छा देखो क्या क्या नाम है इसके, कई बुक में आपको ये पीक के नाम से होगा या बूम के नाम से होगा। टोटल इसका मतलब यही है कि बिजनेस अभी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट वाले फेज में चल रहा है। मतलब बिजनेस ने एक अलग ऊंचाई हासिल कर ली, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ब्रांचेस बना लिए हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, अपने प्रॉफिट्स के आप कुछ सोसाइटी के लिए कर दे रहे हैं, आपने बच्चों के लिए स्कूल बना दिए, पार्क बनवा दिए, कम्युनिटी सेंटर हॉस्पिटल्स बनवा दिए, ठीक है। देखो तीसरी जो चीज़ आती है इसे कुछ बुक्स में रिसेशन कहते हैं, कुछ बुक्स में डिप्रेशन कहते हैं, और कुछ बुक्स में इसे डिक्लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पे एज आई सेड अर्लियर ट्रेड साइकिल क्या है, एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू प्रभावित हो रहा है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से बिजनेस अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, जैसे कोविड का लॉकडाउन काफ़ी बिजनेसमैन के लिए, कितने बिजनेसमैन उससे उभर नहीं पाए, कितने अभी भी उभर रहे हैं। वो एक टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पे हर एक बिजनेस, स्पेशली अगर आप दवाओं के बिजनेस में नहीं थे तो आपके बिजनेस ने कम सहा हो या ज़्यादा सहा हो, लॉसेस को सफ़र किया था। उसके बाद कोविड ख़त्म होना ही होना था, लॉकडाउन हटना ही हटना था, चाहे वो 6 महीने रहा चाहे 1.5 साल रहा, इकॉनमी बैठे बैठे तो प्रोग्रेस नहीं कर सकते ना, आप एक लैसेस फेयर इकॉनमी में काम नहीं कर सकते। दोबारा से जब एक्सटर्नल कंडीशंस रिवाइव हो जाती हैं तो फिर आता है अंतिम फेज जिसे हम कहते हैं रिकवरी फेज।
ठीक है, डिस्कवरी, रिकवरी, मतलब अब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि कुछ समय पहले हानिकारक था उसमें धीरे धीरे बदलाव आए, जो बदलाव हमारे बिजनेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले। और एक चीज़, एक होता है ना, कहते हैं ना कि तप कर ही सोना बनता है, तो यहाँ पे तप गए आप इतना कि आप इतने कैपेबल हो गए कि आप उन एक्सटर्नल कंडीशंस को पार करके अपने बिजनेस को चला लिए और समय बाद वो एक्सटर्नल कंडीशंस भी बदल गई। समझ में आई बात? भाई देखो, कोई पर्सन अगर आज जीवन में स्ट्रगल कर रहा है तो एक बात निश्चित है, वो आज नहीं तो कल सक्सेस पा लेगा। वो हमेशा स्ट्रगल फेज में नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो उसका स्ट्रगल पे ऑफ करेगा ही। बात समझ में आई? वही बिजनेस के लिए भी है, यही चार फेजेस होते हैं। बोलो, बात क्लियर है? अब इसमें आपकी बुक के अनुसार थ्योरी है, कुछ ट्रेड साइकिल के थ्योरी है। देखो, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल का क्या मतलब है? ट्रेड साइकिल क्या होता है वो आप समझ गए। अच्छा, एक चार्ट देख लो इसको लेके। स्टूडेंट्स, ये जो नीचे से फेज गया है ये तुम्हारा डिस्कवरी का फेज है। जाते 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 जो ये मैक्सिमम पे पहुंचा है ये प्रॉस्पेरिटी का फेज है। ये जो अपने सबसे निचले स्तर पर प्रॉस्पेरिटी के बाद पहुंचा है ये रिसेशन या डिप्रेशन का है, और दोबारा से जब ये रिकवर करने में कारगर हुआ है तो ये रिकवरी का है। ये है किसी देश की इकोनॉमी और ये है आपका बिजनेस साइकिल। इस चार्ट को समझ के बना लेना, आपको 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये चार्ट बनाना ही बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये करना है, ये अलग से शेड कर देना, लिख देना डिस्कवरी। इतना बस, देखो इतना, जहाँ से डिक्लाइन शुरू है वहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट, और जहाँ से अपने शुरू, बस इतना, रिसेशन और यहाँ तक क्या हो गया तुम्हारा, रिकवरी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थ्योरी क्या होता है। देखो, ट्रेड साइकिल क्या होता है ये तो समझ गए। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल का मतलब है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपनी बात को सामने रखा कि ये जो ट्रेड साइकिल है ये होता ही क्यों है, क्या रीज़न है कि ये ट्रेड साइकिल में हम ऐसा ग्राफ देखते हैं। ठीक है, लेक्चर में केवल 4 थ्योरी शूट की जाएंगी। एक्स्ट्रा क्लास जो चलेगा उसमें आप लोगों को बैठा के, वो लेक्चर शूट नहीं हो पाएगा, उसमें आप लोगों को बैठा के बाकी 4 बता दिए जाएंगे। फिलहाल हम जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कॉन्टेंट डाल रहे हैं। देखिए, थ्योरी में सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था उसको हमने कहा था, जो कि आपके नोट्स में आप लोगों ने लिखा हुआ है, क्लाइमेटिक थ्योरी। स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक थ्योरी W. स्टैनली द्वारा दी गई थी। इनका कहना ये था कि मौसम के कारण प्रभावित होता है बिजनेस। ये बात कब की है, जब देशों में किसानी का जो बिजनेस होता था मेन होता था, तो एग्रीकल्चर तो कितनी भी साइंस एडवांस हो जाए मेनली तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रकृति पे। तब उन्होंने ये बात कहा था, जो तथ्य थी, सही बात था कि जिस तरह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपका मौसम पे डिपेंड होता है, उन्होंने ये बोला कि बिजनेस जो है वो किस पे डिपेंड होता है, मौसम। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी। स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है ये दी गई थी आप सबके फेवरेट मार्शल द्वारा। मार्शल ने बोला था कि कंज्यूमर रैशनल तो है, मतलब समझदार तो है, मगर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी है। आपको नहीं पता है कंज्यूमर, एक मुहावरा होता है हिंदी में, ऊंट किस करवट बैठे किसको पता, मतलब कंज्यूमर किस समय पे किस तरह के चॉइसेस को पसंद करने लगे आप नहीं जानते। एक कंज्यूमर है, उसको वेस्टर्न ड्रेसेस एक समय पे बड़े पसंद आते थे, एकदम से उसने वेस्टर्न छोड़ के एथनिक पे स्विच कर लिया। तो यहाँ पे ना तो एथनिक वेयर का दाम घटा ना वेस्टर्न का दाम बढ़ा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया किसी कारण के कारण,
वजह से, किसी कारण से। तो यहाँ पे मार्शल कहते हैं कि कंज्यूमर ना एक साइकोलॉजिकल एनिमल है और उसकी साइकोलॉजी का रीज़न वही समझता है। तो मेनली बिजनेस बहुत उफान या बहुत गिराव कब महसूस करता है, जब कंज्यूमर की साइकोलॉजी उसके बिजनेस के सेल्स को प्रभावित करने लगती है। सी देखते हैं हम इनोवेशन थ्योरी। देखिए आपके सुविधा के लिए हमने इकोनॉमिस्ट का नाम भी रखा है, क्योंकि एमसीक्यू में तो ये पूछेगा और ये तो एमसीक्यूज की तैयारी चल रही। ये दिया गया था शम्पिटर द्वारा। शम्पिटर की काफ़ी सारी डेफिनेशंस तुम लोगों ने पढ़ रखी हैं। इन्होंने कहा था कि वो बिजनेस जो मार्केट में कुछ नयापन लेके आता है, जनरली वो ट्रेड साइकिल के डिप्रेशन वाले फेज से नहीं गुजरता है। वो केवल ये दो साइकिल करता है, इंट्रोडक्शन और उसकी बस केवल क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, क्योंकि वो कंज्यूमर को कुछ नया देता है। कंज्यूमर की यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास एक नया गुड या नया सर्विस होता है। क्लियर है? चौथी बात जो हमने की थी, अंडर कंजम्पशन। इस थ्योरी को कुछ किताबों में ओवर सेविंग नाम से भी दिया गया है, ओवर सेविंग। स्टूडेंट्स, ये थ्योरी मेजर डगलस द्वारा दी गई थी। इनका कहना यह था कि आने वाले समय को प्रिडिक्ट करके हो सकता है कंज्यूमर जितनी बचत करता था उससे ज्यादा बचत करने लगे एकदम से, या हो सकता है कंज्यूमर की सैलरी बढ़ गई, उसको न्यू सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, तो वो और अधिक खर्चा करने लगे, मतलब सॉरी और कम खर्चा करने लगे। वो ज्यादा बचा रहा है तो अंडर कंजम्पशन ही ना हुई, कि मतलब कम खर्चा कर रहा है, या वो अगर कम खर्चा कर रहा है तो मतलब क्या, ज़्यादा बचा रहा है। तो कंज्यूमर आने वाले सिस्टम को देखते हुए अगर पैसों को बचाने लगता है तो वो अपनी कंजम्पशन को मार्जिनली कम करने लगता है, जिस वजह से बिजनेस को एक साइकिल जहाँ पे उसकी रिसेशन और फिर रिकवरी भी बाद में होती है, ट्रेड साइकिल को अनुभव करना पड़ता है। बाकी के जो चार थ्योरीज हैं वो हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे, लेक्चर उसके शूट नहीं होंगे। तो यूट्यूब पे जितना लेक्चर आपका जा रहा है बिजनेस साइकिल को लेते हुए, एक ही लेक्चर जा रहा है और वो यही है। ठीक है।